सभी बच्चे लोग जो है शोर शराबा कर रहे हैं, बच्चे हैं एक्चुअली, शरारत तो बनता ही है गाइस। हेलो गाइस, नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल दीपू दास ब्लॉग में। तो गाइस आज है 26 जनवरी, सरस्वती पूजा, आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। और काफ़ी दिन के बाद मैं अभी फिलहाल ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में मेरा मानसिक संतुलन और साथ में शारीरिक संतुलन ठीक नहीं होने की वजह से जो है मैंने ब्लॉग शूट करना थोड़ा डिस्टर्ब फील किया था। आप सभी को यहाँ के जितने भी स्कूल है, LP स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक का नज़ारा मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। और मेरा साथ जो है जाने वाले हैं हमारे भास्कर भाई, मरीकुटी से लेकर के हम लोग बॉडी क्रे हाई स्कूल तक का नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो गाइज आप सब वीडियो में बने रहे, आज का वीडियो काफ़ी अलग और काफ़ी खास बनने वाला है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चों के सभी लोग आए हैं, मतलब गार्जियन लोग। तो ये नज़ारा जो देख रहे हो ये है सेक्रेट हेड इंग्लिश स्कूल का नज़ारा। स्कूल का अंदर घुसे हैं और देखते हैं यहाँ पे पूजा का तैयारियाँ, दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। काफ़ी सारे गार्जियन लोग आए हैं और यहाँ के हमारे हेड सर जी। हेलो सर, कैसे हैं? तो पूजा का अवसर पे मतलब क्या कैसा चल रहा है? दमदार चल रहा है ना, तो सभी तैयारियाँ हो रही है। जी। अच्छा, तो अच्छा ही चल रहा है ना सब पूजा का तैयारियाँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं सभी गार्जियन लोग आए हुए हैं, बच्चों के मम्मी लोग अथवा पापा लोग, और माँ सरस्वती का दर्शन भी मैं आप सभी को कराना चाहता हूँ। तो अभी फिलहाल जो है मैं अंदर का तरफ लेके जा दर्शन कराने के लिए। यहाँ पे जो है पूजा पाठ का तैयारियाँ चल रही है, तो काफ़ी बच्चे लोग जो है पूजा कर रहे हैं और साथ में बच्चों के मम्मी लोग भी आए हैं प्रसादी के लिए, जो है इधर का तरफ तैयारियाँ चल रही है। क्या क्या बनने वाला है आज का ये प्रसाद? पूड़ी सब्जी, तो यहाँ पे सब्जियाँ बनाया जा रहा है और यहाँ पे भी आटा गूंदा जा रहा है पूड़ी के लिए। अरे भाई तो राम मुझे नहीं। तो भास्कर दर्शन हो गया? ओके, तो मैंने तो सुबह ही दर्शन कर लिया था। तो मैंने जो नज़ारा दिखाया अभी ये है सेक्रेटरी इंग्लिश स्कूल का। अभी हम लोग जाने वाले हैं LP स्कूल के लिए, LP स्कूल जाएंगे ये मरीकुटी का। तो गाइज अभी हम लोग जो है LP स्कूल के तरफ जा रहे हैं अभी। तो ये गाइज मरीकुटी का है LP स्कूल। तो यहाँ पे भी सरस्वती पूजा जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पे प्रसाद बनाने का तैयारियाँ चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी, और आंटी कैसे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रसाद जो है बन रहा है। मैंने आप सभी को जो है प्रसाद बनाने का डिपार्टमेंट तो दिखा दिया हूँ, और माँ सरस्वती को किधर का तरफ रखा गया है वहाँ का भी नज़ारा मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो ये पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है देख सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और सारे लोग जो थे मतलब पूजा पाठ के तैयारी में हैं। और तो ये है आंगनबाड़ी स्कूल, तो यहाँ का भी नज़ारा मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो ये जो नज़ारा देख रहे हो ये है आंगनबाड़ी स्कूल का। तो गाइस मैंने यहाँ का भी नज़ारा आप सभी को दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे जय जयकार बनाया जा रहा है। तो गाइस अपना यहाँ पे हमारे आसाम में तो माँ सरस्वती पूजा इस हिसाब से मनाया जाता है। अभी जो मैंने दिखाया था पहले सेक्रेटरी इंग्लिश स्कूल का, उसके बाद में मरीकुटी LP स्कूल का नज़ारा है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ME स्कूल का तरफ। तो मेरा दोस्त भास्कर जो है बाइक लेके आ रहा है।
तो अभी हम लोग मरीकुटी से निकल के जो है मीना बसनेत का तरफ जा रहे हैं। फाइनली मीना बसनेत एमी स्कूल पे पहुंच चुके हैं और अभी आपको लेके चलते हैं अंदर का तरफ और आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो है आए हुए, बहुत अच्छा अच्छा ड्रेस, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जो है सच डच के आए हैं बच्चे लोग। ये है मीना बसनेत एमी स्कूल का नज़ारा। तो काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है सबसे पहले माँ सरस्वती का दर्शन कराना चाहता हूँ, क्योंकि LP स्कूल में मैंने आप सभी को दर्शन करा नहीं पाया, काफ़ी सारा भीड़ था और पूजा करने का टाइम होने का वजह से मैंने आप सभी को दर्शन करा नहीं पाया। तो गाइस ये है माँ सरस्वती का, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको जहाँ पे प्रसाद बनाया जा रहा है उधर का तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। हेलो, आज सरस्वती पूजा का प्रसाद जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है, यानी पूड़ी और सब्जी होगा ना, तो यहाँ पे पूड़िया तला जा रहा है, तो उधर का तरफ सब्जी बनाया जा रहा है और हमारे सर बैठे हुए हैं। तो और मैं अभी लेके चलता हूँ ऑफिस का तरफ। यहाँ पे जो है गाइस नाच गान का प्रतिवाद चल रहा है। और मैं ऑफिस का तरफ का नज़ारा मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। ऑफिस का अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत हिसाब से जो ये सजाया गया है। तो गाइस मीना बसनेत एमी स्कूल का दर्शन भी करा दिया और दर्शन भी कर लिया और प्रसाद भी ग्रहण करके जो है अभी हम लोग निकलने वाले हैं बॉल टिकराई हाई स्कूल के तरफ, तो वहाँ का भी नज़ारा मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। हाँ, हम लोग फाइनली बॉल टिकराई हाई स्कूल का अंदर प्रवेश करने वाले हैं और मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे किस हिसाब से जो है मनाया जा रहा है सरस्वती पूजा और कहाँ पे माँ सरस्वती को रखा गया है, और सारे लोगों से भी मुलाकात कराता हूँ और स्कूल का भी दर्शन अच्छा से कराने वाला हूँ बॉल टिकराई हाई स्कूल का। तो गाइस माँ सरस्वती को जो है यहाँ पे रखा गया है। तो गाइस मैंने यहाँ का भी माँ सरस्वती का दर्शन करा दिया और यहाँ पे देख सकते हैं सभी बच्चे लोग जो है बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं। कई लोग जो है उधर का तरफ है, इधर का तरफ जो है बॉयज बैठे हैं, तो इधर का साइड में जो है गर्ल्स बैठे हैं। देख सकते हैं कोई खा रहा है, तो कोई अभी खाने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, तो सभी लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके भी, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सब लोग साड़ी पहन के आए हैं आज, मेखला चादर अच्छा, तो कोई मेखला चादर तो कोई साड़ी पहन के आ रहे हैं और कोई खिला रहा है तो कोई खा रहे। सर नमस्कार। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। हेलो, तो बॉल टिकराई हाई स्कूल का नज़ारा कुछ इस तरीके का है देख सकते हैं, और उधर का तरफ सर लोग बैठे हुए और हमारे भास्कर भाई भी जो है बैठा हुआ है वहाँ पे। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे सर बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। तो भास्कर भाई, सर, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऑफिस का नज़ारा कुछ इस टाइप का है देख सकते हैं। और हमारे लिए प्रसाद भी आ चुका है, प्रसाद भी खा लिया, तिलक भी लगा लिया, प्रसाद खा लिया, तिलक लगा लिया, हाथ में डोरी भी बांधी है और यहाँ पे अभी खिचड़ी बटने वाली है, तो सर लोग जो है खिचड़ी लेके जा रहे हैं। जितने भी मैंने तीनों स्कूल का नज़ारा दिखाया था वहाँ पे एक्चुअली पूड़ी सब्जी का व्यवस्था किया गया था, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं गर्मा गर्म खिचड़ी बनाया गया है। अभी खिचड़ी जो है बच्चे लोगों को बांटा जाएगा, तो सर खुद लगे हुए इस काम में, मैम सर सभी लोग लगे हुए हैं, साथ में बच्चे लोग भी है, सर मैम लोग सभी लोग मतलब लगे हुए हैं बच्चे लोगों को खिलाने के लिए। और यहाँ पे जो देख रहे हो ये ऑलरेडी बना हुआ खिचड़ी है और यहाँ पे पकाया जा रहा है। हमारे अंकल जी लोग हैं यहाँ के कारीगर, आज यहाँ का प्रसाद खिचड़ी बनाने वाले देख सकते हैं। गर्मा गर्म खिचड़ी जो है बांटा जा रहा है, तो भाई लोगों को खिचड़ी परोसा गया है देख सकते हैं। ओ तीन मिनट लाइन में से हो। सभी लोग जो है खिचड़ी खा रहे हैं।
सभी लोग कैमरा का तरफ बिल्कुल फेस नहीं कर रहे, सभी लोग शर्मा रहे हैं, मतलब शर्माना नहीं चाहिए था, नहीं शर्माते हो ना, गुड, वही तो क्यों शर्माना है ना, तो सभी लोग वही तो सभी लोग शर्मा रहे हैं। और यहाँ तक दिया गया है खिचड़ी, और इधर का तरफ जो है अभी खिचड़ी आना बाकी है, सार देते हुए आ रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसे प्रसाद वगैरह तिलक वगैरह लगा लिया, लेकिन यहाँ पे सार ने बोले हैं कि जब आए हो तो खिचड़ी खा के जाना बोल करके, तो इसी वजह से मेरे साथ आया हुआ भास्कर भाई गया है खिचड़ी खाने के लिए, और मैं अभी जाने वाला हूँ खाने के लिए। देख सकते हैं सार खुद लगे हुए हैं मग में खिचड़ी लेके, बच्चे लोगों को बांट रहे हैं, तो कई लोगों ने खा चुके हैं और कई लोग खाने वाले हैं, कई लोग खा रहे हैं। खिचड़ी खाई फाले कैन लगी ऐसे नमक कम हुआ है कि मतलब खिचड़ी में थोड़ा सा, तो खिचड़ी भल लगी से ना लगा ना अपना लोगों ठीक है ऐसे नमक कम ऐसे अगमन। अच्छा अच्छा, तो गाइस यहाँ पे भी खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा है, भास्कर लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं अपना वीडियो पे फोकस करने का वजह से छूट गया हूँ, पर भी अब मैं भी खा लेता हूँ, सीट खाली है यहाँ पे देख सकते हैं। हमने तो खिचड़ी खा लिया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। अभी बहन लोग आए हैं और इधर की तरफ भाई लोग भी आए हैं, हमारा तो खाना हो गया, और ये है भुवनदा का हस्बैंड वाइफ और साथ में बाबू भी आया है। तो गाइस हमने यहाँ पे जो है आकर के प्रसाद खा लिया और खिचड़ी भी खा लिया, काफ़ी स्वादिष्ट बना था और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। तो गाइस हम लोग भी यहाँ से अभी निकलते हैं, तो आई होप कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस हम मिलेंगे इसी टाइप के अगला ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।